मेरा प्रणाम। और मैं फिर से अपने YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। और आज मैं फिर से नई वीडियो लेके आप लोगों के बीच में आई हूँ। तो मैंने सुबह से नाश्ता नुश्ता बनाया और बच्चे नाश्ता करके स्कूल चले गए हैं, तो मैं भी अब नाश्ता कर लेती हूँ। और मैंने आज नाश्ते में बनाया है मडुए की रोटी और पालक की सब्ज़ी, हरी सब्ज़ी बनाई है जिसे मैं आप लोगों को दिखाऊँगी। और यहाँ पर हमारी बड़ी सासू जी आई है, जो कि यहाँ पे करेले तोड़ के रखा है सासू जी ने। तो यहाँ पे सासू जी आए हैं, तो सासू यानी कि बड़ी सासू, तो हम गांव में सासू जी के लिए जी बोलते हैं। तो जी क्या करेला सुबह हम आयो खा करेला। तो जी आपको करेला दिखा रही है, मीठे करेले बोलते हैं हम जिन्हें। तो अभी वो लेके आए हैं, तो इसकी बहुत अच्छी अच्छी सब्जी होती है। तो सासू जी आप कुछ बोलना चाह रहे हैं जी? बोला कुछ बुहार भी इसके नौ बुहार आई से मेरे घर बुहार चले नार इसके बहुत बुरा लगनी हो तर क्या बनता बाबा घास काटे लो और अब खुद भी लगी ठीक। जो मीठे करेले निकाले तो जो उसकी बेल है उसको भैंस के लिए रखेंगे हम, और ये घास का काम भी करती है और करेला सब्जी काम भी करना, सब कुछ काम करना। तो अब मैं आपको अपना नाश्ता दिखाऊंगी, मडवे की रोटी और हरी सब्जी। तो जैसे कि मैं आप लोगों को बताना जा रही थी कि मैंने आज मडवे की रोटी और पालक की सब्जी बनाई है। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये मडवे की रोटी है और ये कटोरे में दही रखी हुई है और ये हरी सब्जी है, इसके साथ लाल मिर्च है, घर की लाल मिर्च है, और यहाँ पे ये घी रखा हुआ है। तो ये नाश्ता मैंने अपने हस्बैंड के लिए लगाया है, तो मैं उन्हें देने के लिए जाऊँगी ताकि वो नाश्ता करने के बाद तैयार होकर शॉप की तरफ जाएँगे, जहाँ पर कि हमारी छोटी सी शॉप है मार्केट में। तो मैंने उन्हें नाश्ता लगा दिया है, अभी वो नाश्ता कर रहे हैं। तो नाश्ता करने के बाद वो तैयार होके अपनी शॉप की तरफ जाएंगे। शॉप हमारी यहाँ से, हमारे गांव से हमारी शॉप जो है कि 7 किलोमीटर की दूरी पे है, और वो यहाँ से तैयार होके चले जाएंगे। अब इसके बाद मैं भी नाश्ता कर लेती हूँ, उसके बाद मैं अपने काम पर चली जाऊँगी। मेरे हस्बैंड भी अब नाश्ता करके शॉप के लिए चले गए हैं, तो मैंने भी यहाँ पे नाश्ता कर लिया है। अब नाश्ता करके मैं यहाँ पे अपना रसोई घर की लिपाई करूँगी, जो कि मिट्टी का है और मिट्टी का किचन है मेरा, तो वहाँ पे मैं मिट्टी से लिपाई करूँगी। मिट्टी के साथ मिलाने के लिए गाय का गोबर भी डालूँगी थोड़ा सा। गाय के गोबर से बोलते हैं कि घर घर में शुद्धिकरण होता है और अच्छा मानते हैं गाय के गोबर को। तो उससे जो है कि जो मिट्टी सूख जाती है तो झाड़ू मारते समय जो धूल उठती है तो वो नहीं उठेगी, और उसमें मिला करके हम घर की लिपाई करते हैं। आइए दिखाती हूँ आप लोगों के लिए, मैं गोबर लेने के लिए जा रही हूँ और गाय को भी दिखाऊँगी आपको। तो मैं अभी अपनी गौशाला में आ गई हूँ, और गौशाला के लिए हम अपनी भाषा में गोठ बोलते हैं और साव भी बोलते हैं, तो ज़्यादातर हम गोठ ही बोलते हैं। और यहाँ पे हमारी ये भैंस बंधी हुई है, दिख रहा होगा, थोड़ा थोड़ा मारती हुई है, और ये देख रही है कि क्या कर रही है यहाँ पे। तो ये हमारी भैंस है, और मैं अब गाय के गोबर लेने जाऊँगी, गाय को दिखाऊँगी। जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि मैं गाय का गोबर लेने जा रही हूँ, तो मैं आ गई हूँ। यहाँ पे दो गाय है, एक गाय ये वाली है और एक ये है, और ये इसका बछड़ा है। तो ये इसका बहुत छोटा सा है, बहुत सुंदर है, और देख रही है इधर। और ये है गाय का गोबर, इसको मैं थोड़ा सा लेके जाऊंगी और तब गाय के गोबर से लिपाई करूंगी। और यहाँ पे बाहर से हमारी सासू जी भी बैठी है, यहाँ पे बड़ी वाली सासू जी, और यहाँ पे ये मेरी दीदी है, जैसे देवरानी जेठानी बोलते हैं, यहाँ पे जेठ जी बैठे हुए हैं। और यहाँ से हमारी सासू जी कुछ बोल रही है। ए जी क्या कह रहा तुम? बैठो यार, क्या फोन बोले अरे बैठो काम पापो। अच्छा, और सासू जी के लिए हम जी भी बोलते हैं, अपनी गढ़वाली भाषा में जी बोलते हैं। तो जी के साथ बात किया मैंने, अब मैं जा रही हूँ गोबर ले। और ये है मिट्टी का कट्टा, और हम इसमें से मिट्टी निकालेंगे, और ये लाल रंग की मिट्टी है, बहुत दूर से लाई रहती है हमने कट्टे में, पीठ पे लगा करके लाते हैं। और इसमें थोड़ा सा मैं गोबर डाल दूँगी,
क्योंकि इसमें मिला करके अच्छा सा बन जाएगा। और गोबर को मिलाने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी भी डाल दूंगी और पानी डाल के इसको अच्छे से मिलाऊंगी। और हाथ से इसको मिलाना पड़ता है अच्छे से ताकि ये पूरा घुल जाए, इसमें ऐसे करके मिलाना पड़ता है। और मैं लिपाई करते हुए दिखाऊंगी आपको। तो मैं आपको बता रही थी कि मैं घर की लिपाई कर रही हूँ। तो यहाँ पे मेरा मिट्टी का किचन है, क्योंकि ठंडे में ये किचन अच्छा होता है। यहाँ पे आग जलाने के लिए वहाँ पे चूल्हा भी लगाया हुआ है, वहाँ पे आग जलाई रहती है। और आजकल ठंडों के दिनों में हम यहीं पर खाना बनाते हैं और इसी किचन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे गर्मियों के लिए भी अच्छा होता है, मिट्टी का घर ठंडा होता है। तो मैं यहाँ पे लिपाई कर रही थी, वहाँ से लिपाई करके लेके आ गई हूँ। तो अब मैं यहाँ पे कपड़ा पकड़ के घर को लीप रही हूँ। और लीपने के बाद बहुत अच्छा सुंदर लाल रंग का दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार से घर की लिपाई कर रही हूँ। और तो मैंने घर की लिपाई भी कर दी है। अब मैं अपने घरे में पानी डाल रही हूँ। और यहाँ हम घरे में पानी डालते हैं, इसका पानी बहुत अच्छा स्वादिष्ट होता है। तो मैं यहाँ पे पानी लेके आ गई हूँ गगरी में, घड़ा भी बोलते हैं हम इसे, गागर ही बोलते हैं। और इसका पानी बहुत ठंडा और अच्छा होता है, और तांबे की गागर है। तो इसमें हम ढक्कन रख देते हैं ताकि पानी साफ रहे और इसमें कुछ भी कीटाणु न जाएं। तो मैं अपना किचन दिखाती हूँ आपको, जो मैंने लिपाई की हुई है। तो मैंने यहाँ पर गागर को रख दिया है, पानी का गागर। और इसे मैंने रखने के लिए कुछ ऐसा बनाया है, जो मिट्टी का गोला बन रखा है, ये बना रखा है। तो यहाँ पे मैंने गागर को रख दिया है। और यहाँ पे मैंने बर्तन रखे रहते हैं, और वहाँ पे मैंने दिन का खाना भी रख लिया है। परिसर में मैंने चावल रख दिया है और उसमें मैं साग बनाऊँगी। चूल्हे में मैंने आग जला दी है, इसमें मैंने पानी रखा हुआ है ताकि पानी गर्म पानी से साग बनाने में मुझे सहूलियत मिलेगी और जल्दी से बन जाएगा। और यहाँ पे थोड़ा सा धुंधला हो गया है, तो आग जलाने के कारण यहाँ पे थोड़ा सा धुआं हो रहा है, तो धुएं से थोड़ा धुंधला दिखने बैठ गया है। और लिपाई करके किचन भी सूख गया है। तो मैंने घर की लिपाई भी कर दी है और घर का सारा काम कर दिया है और खाना भी बन चुका है दिन का। तो मैं आप लोगों को बोलना चाह रही थी कि आप मेरे चैनल को लाइक करना ना भूलें, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और आज की वीडियो यहीं तक की, और मिलती हूँ अगली वीडियो के साथ। तब तक आप लोगों के लिए बाय बाय।